हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां से मिलते हैं आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अन अकेडमी का लर्निंग ऐप, और इसके डाउनलोड करते ही आप इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ जुड़ जाते हैं। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और ऑप्शनल में एंथ्रोपोलॉजी की क्लासेस ले रहा हूँ। मेरा कोड है UGM10। ठीक है, मेरे बारे में आप जान लीजिए। हैविंग 12 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ CSE एग्जामिनेशन, CSE इंटरव्यू फेस्ड टू टाइम्स, राइटर ऑफ मेनी बुक्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फ्रेंडली कोऑपरेटिव एंड गुड मेंटर। आप मेरे से यहाँ से जुड़कर जो है, जो भी टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा उसके सारे एस्पेक्ट्स को मैं यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वह बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। इससे रिलेटेड जो भी आपकी यूपीएससी और पीएससी के एग्जामिनेशन में संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन जो है इसके माध्यम से आपके बनेंगे। ठीक है, और देखिएगा अन अकेडमी के द्वारा जो है बहुत सारे कोर्सेज जो है यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं, चलाए जा रहे हैं, जैसे पॉलिटी है, गवर्नेंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनसीईआरटी है, आर्ट्स एंड कल्चर है, आंसर राइटिंग कोर्सेज है, ठीक है, एनसीईआरटी समरी है। ये सारे कोर्सेज जो है आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, तो अपनी रुचि के अनुसार किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे GS सब्सक्रिप्शन जो है 2 फॉर्म में अवेलेबल है। एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकनिक कोर्स है। प्लस कोर्स जो है 1 मंथ से 36 मंथ के लिए है, और मेरा कोड देखिए UGM10 के साथ करते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार देखेंगे GS सब्सक्रिप्शन जो है आइकनिक कोर्स में जो है 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। और फीस स्ट्रक्चर जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और इसमें मेरा कोड UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है इसमें 10% का क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। तो स्टूडेंट्स जो है आप अपनी तैयारी को बेझिझक जो है स्टार्ट कीजिए, और यहाँ पर जो एजुकेटर्स हैं वो आपको हर तरह से क्या करेंगे, अच्छे से मार्गदर्शन देंगे, और इनके मार्गदर्शन में आप अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तब देखिएगा अभी अन अकेडमी द्वारा जो है कुछ कॉन्टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। 17 जनवरी 2021 को टाइम जो 11 बजे है, इसके लिए आप स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसे लॉग इन कर सकते हैं और आप इस कॉम्बेट में, इस कॉन्टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं। कुछ भी देखिएगा, एक कॉन्टेस्ट का जो फॉर्मेट है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 45 मिनट, 60 से क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बेट होंगे, 6 सेक्शन है, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट होगा, ठीक है, अल्टरनेट संडेस में होंगे, ये रैंक 1 to 3 को मिलेगा, 3 मंथ यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन, और रैंक 4 to 150 को मिलेगा ₹1000 का अमेजन बाउचर्स। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इस कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। देखिएगा अन अकेडमी जो है 2021, 2022 और 2023 के लिए जो कंप्लीट कोर्स जो है लेकर आ रही आया हुआ है, ठीक है, और यह कोर्स जो है बाइलिंगुअल मैनर्स में स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द क्या कीजिए, आप इस कोर्स में एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को टॉप एजुकेटर के साथ जो है कीजिए, उनके गाइडेंस में आप कीजिए। क्लियर चीजें, यहाँ पर मार्गदर्शन ही मायने रखता है, तो यह पढ़ना आप ही लोगों को है। ठीक है, तो अच्छे से मार्गदर्शन होता है तो हमारा राह जो है बहुत आसान हो जाता है। ठीक, ये देखिएगा, ये जो आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये प्लस कोर्स और जो और ये जो आइकनिक कोर्स है उसकी फीचर्स दिखाए जा रहे हैं, और यह जो है 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ के लिए है। उनकी फीस स्ट्रक्चर जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, प्लस कोर्स का भी और आइकनिक कोर्स का भी। ठीक है, तो आप इसको किसी भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, ये मंथली बेस पर भी है और ईयरली बेस पे भी है, तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, और जल्द ही इसके रेट बढ़ने वाले हैं, तो जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए तैयारी आपको करनी है, हम यहाँ पर एक मार्गदर्शन के रूप में है। ठीक है, आपकी तैयारी को और कैसे बेहतर तरीके से कराया जाए जिसमें किसी प्रकार का फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट जो है न छूटे, ठीक है, और आप इन सब चीजों को अच्छे से करें, ठीक है, और अपनी तैयारी को और एक नई तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से करें, जो आप सोच रहे हैं कि सबका एक सिलेक्शन होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो डेफिनेटली अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो एक तैयारी का एक स्ट्रेटेजी होता है, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, और नियमित रूप से स्टडी कीजिए तो जरूर सफलता आप लोगों को मिलेगी।
ठीक है, तो आज मैं हिस्ट्री के श्रृंखला जो मैंने इस मंथ में स्टार्ट किया है उसमें मैं लेकर आया हूँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म आज के संदर्भ में। इससे पहले जो है आपने प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री कल्चर पढ़ा है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, फिर वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा, और आज के संदर्भ में जो हम देख रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आप ये समझिए कि उत्तर वैदिक काल में जो है धार्मिक कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। ठीक है, इन धार्मिक कर्मकांडों के कारण जो है जीवन जो लोगों का दुर्लभ हो गया था। ठीक है, और हमारी जो वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई थी, जन्ममूलक हो गई। पहले जो वर्ण व्यवस्था जो क्या थी, कर्म प्रधान था, अब जो उत्तर वैदिक काल में जन्ममूलक हो गया था अर्थव्यवस्था। ठीक है, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था थी हमारी, के एग्रीकल्चर में इकोनॉमी क्या शिफ्ट हो गई थी, इकोनॉमी जो है शिफ्ट किस पर हो गई थी, वह एग्रीकल्चर पर हो गई थी। और एग्रीकल्चर में जो है खेती कार्य में जो है जानवरों की उपयोगिता थी। लेकिन वैदिक धर्म में क्या हो गया, धर्म की जटिलता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ब्राह्मणवाद, आडंबरवाद और बाद में कर्मकांड की प्रधानता बढ़ चुकी थी, यज्ञ और बलि प्रथा का प्रचलन बढ़ चुका था, पुरोहितवाद का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इन सभी से लोग जो है वह छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, जन्ममूलक वर्ण व्यवस्था से छुटकारा पा रहे थे, वैदिक जटिलता से छुटकारा पा रहे थे, कर्मकांडों की प्रधानता से छुटकारा पा रहे थे, पुरोहितवाद से छुटकारा पा रहे जा रहे थे। ठीक है, संस्कृत जो है वह केवल उच्च वर्ग या उच्च वर्ण व्यवस्था के लोगों की भाषा थी। ठीक है, तो भाषा संबंधी जो यहाँ कठिनाई थी उससे छुटकारा चाह रहे थे। ठीक है, और उसी समय जो है देखिए उपनिषदों का प्रभाव जो है समाज पर पड़ने लगा था, जिसके कारण जो है 6वीं सदी ईसा पूर्व में गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक है, और ये जो धार्मिक संप्रदाय उदय हो रहे हैं वह उत्तर वैदिक धार्मिक धर्म के विरुद्ध में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था कैसी थी, वह जटिल हो चुकी थी। ठीक है, हमारा जो इकोनॉमी था वो कृषि मूलक इकोनॉमी था, और कृषि मूलक इकोनॉमी करने के लिए क्या था, जानवरों की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ पर कर्म कांड और बलि की इतना प्रथा बढ़ चुकी थी कि मतलब छोटे छोटे चीजों के लिए जो है कर्म कांड और बलि जैसी चीजें ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने लगा था। जो अगर ज्यादा जानवरों को अगर बलि में दे दिया जाए तो जैसे कृषि मूलक जो अर्थव्यवस्था है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता। ठीक है, तो कृषि की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पुरोहितवाद के अगेंस्ट में, वर्ण व्यवस्था के अगेंस्ट में, ठीक है, और जो है भाषाई संबंधी कठिनाइयों के अगेंस्ट में जो है अनेक धार्मिक आंदोलन जो है वह जो है गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र मतलब के मैदान में जो है चलाए गए। ठीक है, वैसे तो अलग अलग ग्रंथों में कहीं पे लगभग 300 से ज्यादा धार्मिक आंदोलन हुए, मतलब वैदिक बौद्धिक मतलब वैदिक धर्म के अगेंस्ट में जो धार्मिक संप्रदायों को उदय हुआ, कहीं इसको 70 के आसपास बताया जाता है। लेकिन हाँ, मतलब इस उत्तर वैदिक धार्मिक धर्म के विरुद्ध में जो है अनेक धार्मिक आंदोलन जो है इस मतलब गंगा घाटी के मैदान में चलाए गए थे। इनमें से जो है सभी सभी अगर हम बात करते हैं धार्मिक आंदोलनों में, तो इसमें जो है दो जो धार्मिक आंदोलन रहे वह था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म, ने काफी सफलता प्राप्त किया। क्लियर चीज है, बौद्ध और जैन धर्म जो है इन सभी आंदोलनों में क्या हुए, काफी सफल हुए और उन्हें काफी लोकप्रियता को अर्जित की। ठीक है, उनमें से कुछ बता रहा हूँ जो धार्मिक आंदोलन चला है उसमें से मैं कुछ को बता रहा हूँ, जैसे घोर अक्रियावादी मत। ठीक है, यह पूरण कश्यप द्वारा प्रतिपादित किया था, जिसका नाम था घोर अक्रियावादी मत। पूरण कश्यप स्वयंभू बुद्ध अपने आप को कहा इसने, आजीवक संप्रदाय संस्थापक मखली पुत्र गोसाल, यह संप्रदाय जैन धर्म से साम्यता रखता था। निकंठ नाथ पुत्र महावीर स्वामी के बौद्ध स्रोतों में निकंठ नाथ पुत्र कहा गया है। भौतिकवादी दर्शन, यह चार्वाक अजब का सिद्धांत था, जो भौतिकवादी दर्शन पदार्थों के कोटेशन, जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर जियो। ठीक है, और उपनिषद का तो प्रभाव पड़ ही रहा था। इसके अलावा जो हम बात करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करते हैं, इन्हीं सब ऐसे बहुत सारे जो है धर्म या धार्मिक आंदोलन चलाया जाए, किसी किसी बुक में हमको या किसी स्रोत में 300 से ज्यादा मिलता है, कि किसी बुक में लगभग 60-70 के बीच का मिलता है। तो जितने भी धार्मिक आंदोलन ये उत्तर वैदिक काल के अगेंस्ट में चलाए गए उनमें से जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वह काफी लोकप्रिय हुए। इसी के संदर्भ में हम आज जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में
पढ़ते हैं। क्लियर चीजें तो बिल्कुल जान लीजिएगा कि लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व, लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी के मैदान में वैदिक धर्म के विरुद्ध में बहुत सारे धार्मिक आंदोलन चलाए गए थे। इन सभी धार्मिक आंदोलन में जो दो धर्म थे उन्होंने काफी लोकप्रियता प्राप्त की थी, जिनमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का स्थान आता है। इसी संदर्भ में हम आज बौद्ध जैन धर्म और बौद्ध धर्म को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो क्यों स्टार्ट किया गया था? जन्म मूलक अवर्ण व्यवस्था के विरुद्ध में, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, वैदिक धर्म की जटिलता को दूर करने के लिए, कर्मकांड और बलि प्रथा को से लोग त्रस्त थे उसको समाप्त करने के लिए, ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट में जो है ये प्रकार के आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है, तो हम पहले जो है जैन धर्म के संदर्भ में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के क्या है, प्रवर्तक माने जाते हैं। इससे रिलेटेड जो है प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे देखिए बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है हम किसको मानते हैं, महावीर स्वामी को मानते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी महावीर स्वामी जो है यह मतलब संस्थापक नहीं थे, लेकिन हम इनको क्या बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। जैन धर्म की स्थापना जो है वह जैनियों के द्वारा प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के द्वारा किया गया था। तो अगर आता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो आप क्या लिखोगे, ऋषभ देव लिखोगे। वास्तविक संस्थापक अगर शब्द आता है तो क्या लिखेंगे, महावीर स्वामी लिखेंगे। ठीक है, ऋषभ देव से पार्श्वनाथ तक का समय इस धर्म में कोई खास विशेष प्रगति नहीं हुई थी। ठीक है, और पार्श्वनाथ के पहले के तीर्थंकरों के बारे में समुचित जानकारी भी हमें उपलब्ध नहीं है। 23वें तीर्थंकर के विषय में कुछ जानकारी उपलब्ध है। वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वे वर्धमान महावीर से करीब 250 वर्ष पहले हुए थे और गृह त्याग कर वे सन्यासी बने, और उन्होंने घूम घूम कर अपने उपदेशों का प्रचार किया, और इनके अनुयायी जो है निग्रंथ कहे गए, और उन्होंने सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह का उपदेश दिया। की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर जो है पार्श्वनाथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पार्श्वनाथ की बात हो रही है, जो जैन धर्म के कैसे हैं 23वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, उन्होंने जैन धर्म में जो उन्होंने सिद्धांत दिया उसमें चार सिद्धांत, अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और सत्य, सत्य अहिंसा अस्ति और अपरिग्रह दिया। इसके साथ साथ पार्श्व ने वैदिक कर्मकांडों और जाति प्रथा का भी आलोचना किया। ठीक है, उनके अनुयायियों की संख्या अच्छी थी। महावीर के पिता भी उनके अनुयायी थे। पार्श्वनाथ के विचारों को संगठित और प्रचारित करने का कार्य जो है महावीर स्वामी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म के कौन से हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। तो जैन धर्म में जैन मुनियों को तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक, तो जैन धर्म से संबंधित मतलब जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभनाथ थे, ऋषभ देव थे। 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ हैं। 24वें तीर्थंकर जो है कौन है, महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है वह महावीर स्वामी को माना जाता है। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन की होने की स्थिति नहीं है। वर्तमान महावीर का जन्म जो है 540 ईस्वी में वैशाली के निकट जो है वह कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली आज तत्कालीन बिहार। ठीक है, उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रियो के वज्जी संघ के क्या थे, वह कुल के प्रधान थे, और उनकी माता त्रिशला जो है वह लिच्छवी लिच्छवी नरेश की बहन थी। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री जो है उनकी अणोज्या थी। इनके कुछ रिलेटेड जो है कुछ मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। ज्ञान की प्राप्ति का या कैवल्य अवस्था में उन्हें पार्श्वनाथ शैल शिखर के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर जिम्बिका ग्राम के में साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो याद रखिएगा, ठीक है, पार्श्वनाथ शैल शिखर के निकट ऋजुपालिका नदी, जुम्भिक गांव और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उनकी मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में। ठीक
है, महावीर अरहंत जीन केवलिन और सर्वज्ञानी कहलाए। जीन का अर्थ होता है विजेता जी, और वे जीन थे, अतः उन्हें अनुयायी जो है क्या कहलाए, जैन कहलाए। क्लियर चीज है ये? तो ये महावीर जैन के संदर्भ में कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। और देखिएगा, महावीर जो जैन से पहले जो 23 तीर्थंकर थे, उनके नाम है ऋषभदेव। और 22वें तीर्थंकर कौन है, 23वें तीर्थंकर कौन है, देखिएगा पार्श्वनाथ। और 22वें तीर्थंकर है नेमिनाथ। और 24वें तीर्थंकर जो है कौन है, महावीर स्वामी, ठीक है। तो महावीर स्वामी कौन है, 24वें तीर्थंकर है। और महावीर स्वामी को जो है क्या कहा जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और यह जो है ऋषभदेव जो है क्या कहे जाते हैं, यह संस्थापक कहे जाते हैं। बिल्कुल इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर चीज है ये? देखिएगा वर्धमान का जो महावीर स्वामी का जो बचपन है, युवा अवस्था सुख शांति और संपन्नता का था। वह एक राजकुमार की भांति सुविधाएं उपलब्ध थी। वर्धमान को भी यह सुविधाएं उपलब्ध थी। उन्हें राजोचित विद्याओं की शिक्षा दी गई। युवा अवस्था में उनका विवाह जो है एक सुंदर यशोदा नाम की कन्या से कर दिया जाता है, ठीक है। और इन यशोदा से उन्हें यह प्रियदर्शना नाम की पुत्री का प्राप्त हुआ, जिसे हम यहाँ पे प्रियदर्शना का ही नाम क्या था, प्रियदर्शना का ही नाम जो है अनुज्ञा भी था, ठीक है। क्लियर है चीजें ये? देखिए देखिएगा यहाँ पर 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर वह क्या हो गए, गृह का त्याग कर दिया और सन्यासी हो गए, ठीक है। और क्लियर चीज है ये? और कुछ दिनों तक वह भ्रमण करते रहे। कल्प सूत्र में उनके जीवन पर प्रकाश डालता है। और इस ग्रंथ के अनुसार गृह त्याग के 11 महीने के बाद उन्होंने अपना वस्त्र पहनना भी छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, ठीक है। और उनको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा, फिर भी वह अपने पथ से विचलित नहीं हुए और सभी कष्ट और बंधनों को तोड़ते हुए अपनी तपस्या में वह लीन हो गए। और इस कठिन तपस्या के पश्चात जुम्भी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ताल वृक्ष के नीचे उनको कैवल्य की प्राप्त हुई और वह केवलिन कहलाए वहां से। और सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन्न भी कहा गया। इस प्रकार जो है वह अतुल पराक्रम दिखाने के कारण वह महावीर कहलाए, अहंत करा कहलाए और निग्रंथ भी कहलाए। ये जैन या महावीर स्वामी के लिए क्या है, इतने सारे शब्द जो है यूज किए जाते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर अपने विचारों के प्रचार के लिए निकल पड़े और वे श्री बरसात छोड़कर हमेशा भ्रमण करते थे और लगभग सभी महाजनपदों में जैसे चंपा, वैशाली, राजगृह आदि नगरों में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। और राज परिवार से संबंध होने के कारण उनको लाभ भी प्राप्त हुआ। वैशाली के शासक चेटक, अवंती के राजा प्रघोंत और उनकी रानियां बिंबिसार और उनकी रानियां, कौशाम्बी और सिंधु साविर के राजा, वैशाली के गणराज्य और मल्लों के वर्धमान महावीर के धर्म को अपनाया, शीघ्र ही महावीर के अनुयायी हो गए और क्या कहलाए, जैन कहलाए। और इनके धीरे धीरे संख्या जो है बढ़ती चली गई, ठीक है। और जैन और महावीर स्वामी की लोकप्रियता भी क्या हो गई, बढ़ते चली गई। महावीर स्वामी की भी इसमें क्या हो रहा है, लोकप्रियता बढ़ रहा है। इसी प्रकार धर्म का प्रचार करते हुए 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में उनको क्या हो रहा है, निर्वाण की प्राप्ति हो रही है लगभग 468 ईसा पूर्व के पास, जिसको हमने पिछले स्लाइड्स में देखा। क्लियर चीजें? तो अब देखते हैं महावीर के सिद्धांत क्या है, द टीचिंग्स ऑफ महावीरा, उसको देखते हैं। महावीर ने अपना पहला उद्देश्य जो है, उपदेश जो है, राजगृह के निकट जो है दिया था। और उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना उस समय नहीं की थी, बल्कि पार्श्वनाथ के विचारों को ही संशोधित रूप से प्रचारित किया। उनका
सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने जैन धर्म को स्थायित्व प्रदान किया। उन्होंने पार्श्वनाथ के चार जो मूलभूत सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय को बनाए रखा, और इसमें पांचवा एक शब्द जोड़ा जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। ठीक है, और यह जो क्या कहलाते हैं, यह जैन धर्म के पांच सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, जैन दर्शन बहुत कुछ जो है वो सांख्य दर्शन से मिलता जुलता है। जैनियों के अनुसार संसार दुख मूलक है और मनुष्य की अनेक प्रकार से भय और तृष्णाएं घेरे रहती हैं, और इन सभी से उसे छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को बुरे कर्मों से बचना चाहिए। ठीक है, पांच जो महाव्रत हैं उनका पालन करना आवश्यक है, और इन पांच बार महाव्रतों का पालन करने से इन सब बुराइयों से हम बच जाते हैं। वह पांच महाव्रत कौन है, जो पांच सिद्धांत हैं जिनको हम महाव्रत कर रहे हैं, वह है सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, अस्तेय है और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, और 18 जो पाप हैं, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, दोषारोपण, चुगलखोरी, असंयम, निंदा, छल कपट और मिथ्या दर्शन से बचा जा सकता है, और पापों से बचकर निर्वाण प्राप्ति के लिए मनुष्य को तीन रत्नों का पालन करना चाहिए। पापों से बचकर निर्वाण प्राप्ति करने के लिए तीन रत्नों का पालन करना चाहिए, वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण। ये तीन रत्न हैं कहाँ की, जैन धर्म के। सम्यक दर्शन मतलब हमेशा अच्छी चीजों को ही देखो, सम्यक ज्ञान मतलब अच्छा ज्ञान की प्राप्त होना चाहिए, सम्यक चरित्र आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, आचरण आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा और तपस्या पर अत्यधिक बल दिया गया। आक्रमण एवं हिंसा, चाहे वह ऐच्छिक हो या आकस्मिक हो, उसका त्याग करना आवश्यक है। जैन पदार्थ प्रत्येक पदार्थ में जीव की कल्पना करते हैं, अतः मात भक्षण, आखेट, युद्ध, यहाँ तक कि कृषि पर भी वह प्रतिबंध लगा दिया गया। जैनी जो है जल झाड़ कर पीते हैं, मार्ग से कीटाणुओं को हटाते हुए चलते थे और मुख में कपड़े ढक लेते थे ताकि जीवाणुओं की हत्या नहीं हो। और जैन धर्म के अनुसार जो है गृह अवस्था में रहते हुए पापों से बचना और निर्वाण की प्राप्ति करना संभव नहीं था, इसलिए सन्यासी का कठोर जीवन और आचरण आवश्यक बना दिया गया। जैनियों के लिए आचरण के नियम अत्यंत कड़े बनाए गए। उदाहरण स्वरूप, इंद्रिय दमन के लिए नंगा रहना, दीक्षित होते समय बालों को जड़ से उखाड़ देना, ग्रीष्म ऋतु में मध्यकालीन सूर्य ताप में तपस्या करना अथवा दीर्घ काल तक की किसी असुविधाजनक मुद्रा में रहना, किसी निश्चित स्थान पर वास न करना, इन कड़े नियमों का जैनियों को अपना आचरण नियंत्रित करना था। ये बहुत कठोर तपस्या के बाद जो है वह जैन साधु या साध्वी बनते हैं। ठीक है, जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन क्या है, उसको एक लाइन से हम देखते हैं। जैन धर्म का आधार भूत बिंदु क्या है, विराग है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र को तीन रत्न या तीन जौहर कहा गया है। इसका अनुसरण करने से कर्म फल और जन्म पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल पॉइंट नोट कीजिएगा, पांच महाव्रत हैं जैन धर्म के, कौन कौन से, अहिंसा है, अपरिग्रह है मतलब अपरिग्रह का मतलब संपत्ति के संग्रह का निषेध करता, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अमृषा का मतलब है असत्य न बोलना,
व्रत महावीर ने इसे शामिल किया जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो ये पांच महाव्रत कहलाते हैं। निर्वाण जैन मत के अनुसार संसारिक बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया, जो कि त्रिरत्न अनुशूलन पर मृत्यु उपरांत पाया जा सकता है। इसके लिए भिक्षुक जीवन आवश्यक माना गया है। जैन दर्शन जो है वह अनिश्वरवादी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैन मत जो है अभी बताया था सांख्य दर्शन से क्या रखता है, समानता रखता है। ठीक है, जैन मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अलग अलग आत्मा होती है, मतलब यह अनेकात्मावाद के सिद्धांत को मानता है। ठीक है, सत्य की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है, इसे ही सप्तभंगी ज्ञान कहा गया, स्वाद या अनेकांतवाद कहा गया। ठीक है, स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा गया कि सत्य को कई तरह से क्या किया जा सकता है, व्याख्यित किया जा सकता है। ब्राह्मणों और वेदों की सर्वोच्चता का खंडन किया गया, यज्ञ आहुतियों और पशु बलि प्रथा का विरोध किया, सभी जाति वर्ण नारियों के लिए भी निर्वाण संभव है। क्लियर है, ये बात जो है जैन धर्म में किया गया। ठीक है, जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। इसकी स्टोरी मैं बताऊंगा आपको। भद्रबाहु के अनुयायी जो हैं ये वस्त्रहीन रहते हैं तथा अनेक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और वे क्या कहलाए हैं, भद्रबाहु के नेतृत्व में वह दिगंबर कहलाते हैं। और पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूल भद्र के नेतृत्व में रहे वे क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। स्थूल भद्र के अनुयायी जो है वह श्वेत वस्त्र पहनते थे तथा अपेक्षाकृत कम कट्टर थे, वो क्या कहला रहे हैं यहाँ पर, श्वेतांबर कहला रहे हैं। ठीक है, तो बौद्ध जो जैन धर्म जैन संगति जो पहला होता है पाटलिपुत्र में, उसके बाद जो है जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर हो गया। और यह जो पहली जो बौद्ध संगति जैन संगति होती है लगभग जो है यह 298 ईसा पूर्व के आसपास होता है। ठीक है, दिगंबर किसके नेतृत्व में थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में थे, और श्वेतांबर जो है उनके लीडर कौन थे, यह स्थूल भद्र थे। ठीक है, इसके पीछे क्या स्टोरी है आगे की क्लास में भी डिक्टेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैन साहित्य को देखिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का सबसे प्राचीन और अधिकृत ग्रंथ है 24 पूर्वो या पर्वों को माना जाता है। स्थूल भद्र को 12 अंगों ने पर्वों को 12 अंगों में संकलित किया जिन्हें 11 बचे हैं। भद्रबाहु ने जो है कल्प सूत्र की रचना की है और हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व की रचना की है। जैन धर्म ने हिंदी, कन्नड़, अर्ध मगधी, अपभ्रंश, गुजराती तथा मराठी भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, और अधिकांश जैन साहित्य जो है अर्ध मगधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, प्राकृत या प्राकृत का मतलब होता है स्थानीय, अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हेमचंद्र ने क्या किया, परिशिष्ट पर्व की रचना की, और जो है और भद्रबाहु ने जो है कल्प सूत्र की रचना की, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, और 24 14 जो पूर्व है उसको क्या माना गया है, जैन धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य है और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित कला के नमूने जो हमको दिखाई देते हैं वह है उदयगिरी की गुफाएं, एलोरा में इंद्र सभा और माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर, माउंट आबू राजस्थान, श्रवण बेलगोला मैसूर में गोमतेश्वर की 51 फीट की ऊंची मूर्ति जिसका निर्माण गंग नरेश के मंत्री चामुंड राय के द्वारा किया गया था। याद रख लीजिएगा, चामुंड राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रचार, महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को गणों में संगठित कर संघ व्यवस्था से अपने मत का प्रचार किया, और जैन धर्म को मगध नरेश, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल
और कुमार पाल चालुक्य ने मुख्य रूप से इसको संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, जैन धर्म में हिंसा का पूर्णतः निषेध है। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, इन्होंने संवेद शिखर में कठोर तपस्या की थी। ठीक है, बुद्ध की तरह महावीर ने भी वैदिक धर्म के कर्मकांडों, आडंबरवाद स्वरूप तथा पुरोहित और यज्ञों की आवश्यकता को मानने से इंकार किया, और ईश्वर से भी इनका आस्था नहीं थी। इनके अनुसार जीन सबसे बड़ा देवता था। जैन धर्म ने जाति प्रथा की भी आलोचना करते होने के बावजूद उसे स्वीकारा था। ठीक है, जैनियों के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्ति भी कर्मों के फल से निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कर्म फल के अनुसार ही मनुष्य का जन्म उच्च या निम्न वर्ण में होता है। मतलब यह इस बात से अपने आप को यह हटा नहीं पाया, कर्म की प्रधानता देता है। ठीक है, और जन्म पुनर्जन्म की यह बात करता है, कर्म फल की बात करता है। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का स्थान नहीं था, किंतु बाद में तीर्थकरों की मूर्तियां बनने लगी और उनकी पूजा भी होने लगी। इस धर्म में कोई विशेष सामाजिक धर्मदेश नहीं थे, और जैनों के पारिवारिक संस्कार, जन्म, विवाह, मृत्यु वही थे जो आम जनता के थे। वस्तुतः जैन धर्म ब्राह्मण धर्म से अपने आप को बहुत अलग नहीं कर सका। ठीक है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। उसके सारा अनुयायी जो है 11 गणों में विभक्त थे। गण का प्रधान जो है गणधर होता था, जो महावीर के साथ धर्म प्रचार में भाग लेता था। ठीक है, महावीर के गणधर उस समय निम्नलिखित थे। महावीर के समय इंद्रमति, गौतम, अनिग्निभूति, भावभूति, आर्यावर्त, सुधर्म, मंडिक इत्यादि, ये क्या थे, उनके गणपति थे, गणधर थे। ये सभी गणधर बिहार के विभिन्न भागों में रहने वाले ब्राह्मण जाति के थे, और जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभक्त थे। भिक्षु भिक्षुणी जो सन्यासी का जीवन जीते थे, श्रावक श्राविका जो गृहस्थ जीवन बिताते थे। इन संघ में सभी जाति के व्यक्तियों स्त्रियों को प्रवेश दिया गया था। ठीक है, जैन संघ में क्या है, 4 वर्गों में विभक्त था, भिक्षु भिक्षुणी और श्रावक और श्राविक। ठीक है, अब देखते हैं जैन धर्म का उत्थान और पतन क्यों हुआ, जैन धर्म का उत्थान क्या क्या कर रहे थे, उसके पतन क्यों होने लगा। ठीक है, महावीर स्वामी की जीवन काल से ही उनके और उनके गणधरों के प्रयास से कौशल, मगध जो सके तत्कालिक महाजनपद थे, विदेह, अवंती, अंग, बज्जी, मल आदि राज्यों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अनेक राज्यों और उनकी रानियों ने भी इस धर्म को स्वीकार किया, और महावीर के धर्म के विकास को राजधानी और वैश्यों से बहुत अधिक मदद मिली। कहा जाता है कि महावीर के जीवन काल में ही अनुयायियों की संख्या जो है वो लगभग 14,000 तक पहुंच चुकी थी। उसमें बहुत बड़ी बात थी। महावीर की मृत्यु के पश्चात भी अनेक वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। ठीक है, महावीर के बाद सुदर्शन जैनों का प्रधान बना, और अजातशत्रु के उत्तराधिकार उदयन जो है वो संभवतः जैन धर्म का वह समर्थक था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से भी हमको पता चलता है कि मगध का नंद राजा भी जैन मतावलंबी था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी एक जैन था। ठीक है, उसी के समय में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा, दिगंबर और श्वेतांबर। क्लियर चीज है ये? तो ये इसके पीछे कहानी थी कि मौर्य काल में एक भयंकर क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अकाल पड़ा, अतः अनेक जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत की ओर चले गए, और वहां रहकर उन्हें जैन केंद्रों की स्थापना की, और अकाल समाप्त होने के बाद वह जो है मगध लौटना चाहते थे। इस प्रश्न पर विवेद खड़ा हुआ। ठीक है, और भद्रबाहु ने महावीर की आज्ञाओं और बताए गए मार्ग पर चलने का बल दिया, परंतु अकाल के कारण मगध में जैनों ने स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेत वस्त्र धारण करने पर जोर दिया। इस प्रकार जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में बट गया। एक था भद्रबाहु, जो उन्होंने दक्षिण भारत चले गए और उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया, और ठीक है, और
और भद्रबाहु की मृत्यु के पश्चात जो है पाटलिपुत्र में जैन मुनियों की एक सभा स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई और इस सभा में दक्षिण के जैनियों को भाग नहीं लेने दिया और इस सभा में सर्वश्रेष्ठ 12 अंगों अथवा धाराओं में धर्म सिद्धांतों को पुनः रचना की गई जिसमें पहले के 14 पर्वों को स्थान लिया। इसमें सिर्फ श्वेतांबरों ने ही स्वीकार किया, दिगंबर और शेतरानों के बीच सिर्फ इतना अंतर था कि दिगंबर नंगे रहते थे और नियमों का कड़ाई से पालन पर बल देते थे जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और कम कठोर नियमों का पालन पर बल देते थे। ठीक है, जैनियों की एक दूसरी सभा ईसा की 6ठी शताब्दी में, वह कहाँ होता है? वल्लभी में होता है, ठीक है, और गुजरात में होता है। उसकी अध्यक्षता जो है देवर्षि गणी ने किया और इस सभा को प्राकृतिक भाषा में जैन धर्म के मूल ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, देवर्षि क्षमा श्रवण उनका पूरा नाम है। क्या नाम है उनका? देवर्षि क्षमा श्रवण। ठीक, देखिएगा, मौर्य और गुप्त काल तक जैन धर्म पूर्व में उड़ीसा से लेकर लंका और पश्चिम में मथुरा तक फैला हुआ था। इन क्षेत्रों में जैन धर्म के अवशेष प्राप्त होते हैं। बाद में यह धर्म मुख्यतः काठियावाद, गुजरात, राजस्थान, मैसूर, हैदराबाद तक ही सीमित रहा। ठीक है, गंगा घाटी में इसका प्रभाव जो है लुप्त प्राय हो गया। ठीक है, 12वीं शताब्दी ने पश्चिम भारत में चालुक्य शासक कुमारपाल ने इस धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया परंतु उनकी मृत्यु के बाद पश्चिमी भारत में इसका महत्व धीरे धीरे घटना लगा। इस प्रकार दक्षिण में शैव और वैष्णव संप्रदायों के विकास ने जैन धर्म के प्रभाव को नष्ट कर दिया। फिर भी यह धर्म बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है, अब भी जैन धर्म के समर्थक जो है भारत में क्या है, विद्यमान है, भले उनकी संख्या क्या हो, कम हो। तो क्लियर है चीज है ये, तो इसको आपकी स्टोरी को पढ़ा, आप लोग इसको स्टोरी को बार बार पढ़िए, लेक्चर को सुनिए। ठीक है, और देखिएगा जैन धर्म के बढ़ने का और क्या कारण थे? दूसरा कारण तत्कालीन राजवंशों का समर्थन मिला। ठीक है, जैन धर्म सफलता के कुछ सीमा तक स्वयं महावीर का एक राज परिवार संबंध होना उत्तरदायी माना जाता है और वो तत्कालीन जो राजा थे उन्होंने भी जैसे 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 है कोजी संघ का चेतक है, ठीक है, अवंती का राजा प्रद्योत है और अजात शत्रु है बिंबिसार है, ठीक है, कौशाम्बी नरेश की रानी मृगरावती है और उसके अलावा सिंधु साविर के राजा उदयन है। ये सब बहुत सारे राजवंशों ने क्या किया, जैन धर्म का समर्थन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में और चेदी वंशी शासक खारवेल ने उड़ीसा में इसका प्रचार प्रसार किया और शासकों द्वारा जैन धर्म को मान्यता देने के परिणाम स्वरूप उन राज्यों की जनता और अभिजात वर्ग के बीच भी नए धर्म की लोकप्रियता बढ़ने लगी। ठीक है, तत्कालीन राजवंशों का समर्थन था और आगे बढ़ने के क्या कारण थे? इसका प्रगति होने का वैश्यों का समर्थन था। ठीक है, तो वैश्यों का भी मतलब जो वणिक लोग थे उनको भी जो है इसको समर्थन प्राप्त था। ठीक है, इसकी प्रचार प्रसार की भाषा थी वह स्थानीय भाषा लिया और प्रचार प्रसार जो है सरल भाषा था। जैन धर्म की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती थी कि महावीर और जैन उपदेशकों ने अपने विचारों को जनता के समक्ष सरल और सुबोध भाषा में रखा, अपने उपदेशों से जन साधारण को अवगत कराने के लिए संस्कृत जैसी गूढ़ और कठिन भाषा का त्याग कर दिया और प्राकृत भाषा का सहारा लिया जो जो जन साधारण की भाषा थी और इन लोगों ने माध्यम बनाया कि जैनों के कुछ ग्रंथ बाद में संस्कृत में ही लिखे गए तथापि आरंभ में यह अर्ध मगधी में ही लिखे गए हैं। इस कारण जनता की रुचि इस धर्म के प्रति बढ़ी। कारण क्या था? प्रचार प्रसार की जो भाषा थी वो कैसी थी? वह सरल थी। ठीक है, इसने भेदभाव की नीति का प्रतिपादन, जैन धर्म की सफलता के एक और प्रमुख कारण था कि इसने सभी वर्ण के लोगों के लिए जो यह खुला था, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। कोई भी वर्ण के लोग चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो सभी जो है जैन धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण धर्म से या ब्राह्मणवाद से त्रस्त जनता जो है नए धर्म की ओर क्या हो गई, आकर्षित हुई। ठीक है, क्लियर चीज है ये। और दूसरा नेक्स्ट जो है जैन धर्म का व्यवहारिक स्वरूप, महावीर का धर्म ब्राह्मण धर्म की तरह जो है
वह आडंबर पर आधारित नहीं था। इस धर्म में आस्था रखना सरल था। निर्वाण की प्राप्ति के लिए न तो पुरोहित के माध्यम की जरूरत पड़ती थी, न यज्ञ और बलि प्रथा की जरूरत पड़ती थी। बिना किसी विरोध झंझट के 5 महाव्रत 3 रत्न का पालन कर को मनुष्य निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। चलिए ठीक है, इसलिए जनता को ज्यादा ग्राह्यता सिद्ध हुई। नेक्स्ट, जैन धर्म का संघ का योगदान है। तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार में जैन संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। यद्यपि संघ की स्थापना महावीर स्वामी से पूर्व ही हो चुकी थी, तथापि महावीर स्वामी ने उसको नए ढंग से क्या किया, संगठित किया, और संघ के द्वार जो है वो सभी के लिए खोले थे। इसे किसी का प्रवेश वर्जित नहीं था। यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी इसमें शामिल किया गया। इनके सदस्य संयम और नियम पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इससे नए धर्म की लोकप्रियता भी क्या हो गई, बढ़ती चली गई। अब देखेंगे जैन धर्म के पतन के क्या कारण हैं। जैन धर्म जो है इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके करने पतन होने के क्या क्यों 9वीं 10वीं या 12वीं सदी के बाद से जैन धर्म जो है भारत से लुप्त होने लगा, इसका क्या कारण है। इसके निम्नलिखित कारण देखेंगे हम। जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह लोकप्रियता को प्राप्त नहीं कर सका, इसके निम्नलिखित कारण हैं। ब्राह्मण धर्म से संबंध बनाए रखा। जैन धर्म की असफलता का एक मुख्य कारण यह था कि इसने अपने आप को पूर्णतः ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं कर सका। महावीर ने वैदिक दर्शन का पूर्ण त्याग नहीं किया, बल्कि एक दार्शनिक दर्जा प्रदान कर दिया। इस धर्म में कोई विशेष सामाजिक धर्म उपदेश नहीं था, बल्कि यह वैदिक धर्म से ही मिलती जुलती थी। जैनियों के पारिवारिक संस्कार वैदिक संस्कारों के ही समान थे। ब्राह्मण धर्म की ही तरह भक्तिवाद, देवताओं का अस्तित्व इत्यादि धर्म में भी था। वस्तुतः जैन धर्म में ब्रह्मा धर्म के से अपने को अलग रखने का प्रयास नहीं किया। ब्राह्मण धर्म से अपने आप को क्या किया, अलग रखने का प्रयास नहीं किया, और धीरे धीरे जो है ठीक है, फलतः जनता को इस धर्म में कोई ऐसी नई बात नहीं लगी जिससे वह प्रभावित होकर इसकी तरह आकर्षित हो। नियमों की कठोरता थी। जैन धर्म के कठोर तपस्या आत्म पीड़न पर अत्यधिक बल देता था। ठीक है, संघ और धर्म के नियम इतने कठोर थे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका पालन करना मुश्किल था, संभव नहीं था। वस्त्र न पहनना, भूखा रहना, धूप में शरीर को तपाना, बाल उखड़वाना, ऐसे नियम थे जिनका पालन करने के लिए सबके लिए संभव नहीं था। इसलिए यह धर्म कभी लोकप्रिय नहीं हो सका। ठीक है, यह अहिंसा पर अत्यधिक बल प्रदान करता था। ठीक है, यह अहिंसा पर जो है अत्यधिक बल प्रदान करता था। जैन धर्म ने अहिंसा की नीति को इतना अधिक महत्वपूर्ण बना दिया कि वह अव्यवहारिक बन गया, और प्रारंभ में क्षत्रिय और कृषक भी इसी धर्म की ओर आकर्षित हो गए, परंतु बाद में वे इससे विमुख होने लगे। क्षत्रियों के लिए युद्ध करना और कृषक के लिए खेती करना इस धर्म का पालन करते हुए संभव नहीं था। इस प्रकार जनसाधारण के लिए भी यह संभव नहीं था कि वह सदैव रास्ता साफ करते हुए चले और जल छान कर पिए, मुख पर वस्त्र डालकर सांस ले, जिससे कि किसी कीटाणु की हत्या ना हो जाए। जैन अहिंसा का दर्शन अव्यवहारिक सिद्ध हुआ और अपनी महत्ता खो बैठा। गृहस्थों के लिए भी इसका पालन अत्यंत कठिन हो गया। ये चीजें ये तो ये जैन धर्म के क्या है, यह लोकप्रियता कम होने के कारण है। जाति प्रथा के दर्शन को बनाए रखा। जैन धर्म जो है वह जाति प्रथा से भी अपने आप को पूर्णतः अलग नहीं कर सका। महावीर भी मानते थे कि कर्म फल के अनुसार ही मनुष्य जो है जन्म उच्च या निम्न वर्ण से होता है। संघ में व्यवहारिक रूप से उच्च वर्ग के व्यक्ति ही ज्यादा सम्मिलित हुए। जाति प्रथा की कमजोरी ने इस धर्म को सर्वमान्य नहीं बनने दिया। मतलब जाति प्रथा के जो दर्शन को है
उसने बनाए रखा, अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया, नियमों में बहुत ज्यादा कठोरता थी, ब्राह्मण धर्म से अपने आप को अलग नहीं कर पाया, संबंध उसे बनाए रखा, ठीक है। और देखिएगा आगे चलकर जो है उसको उचित राजाश्रय नहीं मिला, जो मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है, और खारवेल को छोड़कर बाकी किसी ने भी जालू और चालुक्य शासकों को छोड़कर किसी और ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म को जैन धर्म को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो आगे चलकर कोई भी जो है राजश्रय इसको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इसकी लोकप्रियता क्या हो रही है, धीरे धीरे धूमिल हो रही है, ठीक है। अन्य कारण क्या हो सकते हैं देखेंगे, अन्य कारणों के फलस्वरूप भी जैन धर्म को बहुत अधिक प्रचार नहीं हो पाया। जैन धर्म के विकास में सबसे बड़ा थी बौद्ध धर्म का उदय। बौद्ध धर्म जैन धर्म से ज्यादा सरल और ग्राह्य था, इसलिए धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता गया और जैन धर्मावलंबियों की संख्या घटने लगी। इसी प्रकार ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान ने भी इस धर्म के विकास पर आघात पहुंचा। जैन धर्म का विभाजन भी इसकी प्रगति में बाधक बना। जैनियों का संगठन और प्रचार प्रसार भी कमजोर था। संघात्मक संगठन की कमजोरी के कारण धर्म प्रचारकों का भी अभाव था, अतः जैन धर्म बौद्ध धर्म जैसी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। क्लियर चीज है ये? तो नौ ब्राह्मणवाद आ गया, ठीक है। और बौद्ध धर्म ज्यादा लोकप्रिय हुआ क्योंकि मध्यम मार्गी था, और ज्यादा यहाँ पे एकदम अहिंसा की बात नहीं हो रही थी, मध्यम मार्ग की बात हो रही थी, और जो नए नए धर्म आ रहे थे, जिसके कारण जो है इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। इन सब के बावजूद भी जैन धर्म का क्या योगदान है, तो देखते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म या ब्राह्मण धर्म की तरह भारतीय इतिहास और संस्कृति पर अपना प्रभाव तो उतना तो नहीं डाल सका, फिर भी इसका महत्व हम कम नहीं है। इसने पहली बार संगठित और सशक्त रूप से ब्राह्मण या वैदिक धर्म को चुनौती दिया। जाति प्रथा का इसने विरोध किया, स्त्रियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी और अहिंसा की नीति को अपनाकर नई आर्थिक व्यवस्था और समाज के नवोदित आर्थिक वर्ग व्यापारियों को उसने प्रशय प्रदान किया। दर्शन के क्षेत्र में जैन धर्म का जो स्वायद्वाद है या अनेकांतवाद का प्रतिपादन किया, जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक व्यवस्था को एक अमूल्य निधि माना जा सकता है। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी इस धर्म का बहुमूल्य योगदान है। जैनियों ने लोक भाषाओं में ग्रंथों की रचना की और इन्हीं भाषाओं के विकास में योगदान दिया। प्राकृतिक और अर्धमगधी तथा अपभ्रंश भाषा, ठीक है, याद रखिएगा, अपभ्रंश भाषा का विकास कर उनकी साहित्यिक देन मानी जाती है। मराठी और तमिल साहित्य के विकास में भी इसने इसने प्रभावित किया। जैन विद्वानों ने व्याकरण, काव्य, नाटक, पुराण, कोश, नीति, दर्शन से संबंध अनेक ग्रंथों की रचना कर भारतीय साहित्य के विकास को प्रभावित किया। कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए थे, ठीक है। जैनियों की कलात्मक देन भी महत्वपूर्ण नहीं है, सॉरी, जैनियों की कलात्मक देने भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। स्थापत्य और मूर्ति कला के क्षेत्र में इन्हें विकास, मूर्ति कला की विकास को इसने प्रभावित किया। 11वीं और 12वीं शताब्दियों में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण हो रहा है और जैनियों ने भी बौद्धों की तरह गुहाओं का निर्माण करवाया। जैन तीर्थंकरों की भव्य मूर्तियां बनाई गई। हाथ से लिखे गए ग्रंथों पर सुंदर चित्रकारी भी हमको देखने को मिलती है। इस प्रकार जैन धर्म ने भारतीय समाज, धर्म, दर्शन और साहित्य कला को प्रभावित किया है। यह क्या है, जैन धर्म की हमारे पास देन है। क्लियर चीज है ये? तो आपने जैन धर्म के संदर्भ में सारी बातें जो हैं वह मैंने आपको बताया कि महावीर स्वामी, तीर्थंकरों के नाम, उनकी शिक्षाएं, ठीक है, और उनके जो सम्मेलन हुए, उनके लिटरेचर की हमने बात की, ठीक
ठीक है, जैन धर्म के पतन की बात की, जैन धर्म के उत्थान की बात की और जैन धर्म का योगदान की हमने बात किया। क्लियर है चीजें? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड जो है बातें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बताया, और इसे रिलेटेड जो है आपके सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इससे बनेंगे आपके। ठीक है, अब देखते हैं हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम फैक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बौद्ध धर्म से हम बात करेंगे। अब जैन धर्म के बाद हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, तो देखिएगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन, पहले में हम डिस्कस किए इसको, परिणाम स्वरूप जिन नवीन धर्मों का उदय हुआ उसमें सबसे प्रमुख बौद्ध धर्म था। जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म ने भी वैदिक और ब्राह्मण धर्म को चुनौती दी। महावीर की तरह गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन काल में अपने अनुयायियों की बड़ी संख्या बना ली थी। ठीक है, उनकी मृत्यु के पश्चात भी बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा और जैन धर्म से अधिक प्रभावशाली ढंग से लंबे समय तक भारतीय इतिहास को इसने प्रभावित किया। क्लियर है चीजें? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ उनका हम अर्ली लाइफ जो है हम देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, उनके पिता का नाम सुशोधन था। ठीक है, वह कपिल वस्तु के शाक्य कुल के गणराज्य थे। इनकी माता का नाम जो है वह महामाया था और कौशल राज्य की वह राजकुमारी थी। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के निकट लुम्बनी नामक गांव में होता है। ठीक है, बुद्ध के जन्म के संबंध में अनेक रोचक कथाएं जो है पाली साहित्य में लिखी गई हैं। कहा जाता है कि बालक के जन्म पर देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की और भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। ठीक है, गौतम के जन्म के एक सप्ताह के अंदर ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है और बालक का पालन पोषण जो है उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया और इस बालक का नाम जो है सिद्धार्थ रखा गया, परंतु गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उन्हें गौतम भी कहा जाता है। ठीक है, सिद्धार्थ का बचपन ठीक वैसे ही व्यतीत हुआ जैसे किसी राजकुमार का व्यतीत होता है। सभी सुख सुविधाएं और शिक्षा दीक्षा की सभी समुचित व्यवस्था थी। क्षत्रिय राजकुमार को दी जाने वाली सभी शिक्षाएं जो है उनको भी दी गई। उनके निवास के लिए विभिन्न ऋतुओं में रहने योग्य महल उपवन इत्यादि बनाए गए थे। उन्हें सदैव रास रंग में बांधे रखने का प्रयास किया गया था। इसी उद्देश्य से 16 वर्ष की आयु में भी उनका विवाह जो है यशोधरा नामक एक स्त्री से कर दिया जाता है जिसे सिद्धार्थ को राहुल नाम का उससे पुत्र पैदा हुआ। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या हुआ? राहुल हुआ। माता का नाम महामाया, पिता का नाम सुशोधन। ठीक है, जन्म कहाँ हो रहा है? कपिल वस्तु के लुम्बनी में हो रहा है। आगे इसको तो देखेंगे हम पॉइंट्स में। ठीक है, सुशोधन के प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील रहे। वे हमेशा एकांत में वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ जाते थे। यशोधरा और राहुल भी उनके सुख और शांति प्रदान नहीं कर सके। वे संसार की अवस्था और जीवन की नष्टता से दुखी रह करते थे और राजप्रसाद का समस्त वैभव और विलासितापूर्ण जीवन उन्हें रास नहीं आया। वे मोह माया से छुटकारा पाने का उपाय सोचते रहते थे। इसी क्रम में वह नगरों का भ्रमण करने के दौरान उनके मानव जीवन की चार अवस्थाएं उन्होंने जब देखी, जैसे वृद्ध है, रोगी है, मृतक है और सन्यासी है, तो उन्हें देखकर उनके दिल में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ठीक है, एक रात जब नृत्य संगीत के माध्यम के कार्यक्रम के पश्चात सभी व्यक्ति निद्रा मग्न हो गए, तब गौतम बुद्ध की नींद सहसा टूटी और अस्त व्यस्त श्रृंगार विहीन लगभग निवस्त्र गणिकाओं के देखकर गौतम के मन में वितृष्णा और घृणा का भाव पैदा हो गया। ठीक है, अपनी पत्नी और पुत्र को निद्रावस्था में ही छोड़कर वे सत्य की खोज में घर से निकल पड़े।
इस समय उनकी अवस्था केवल 29 वर्ष थी। गृह त्याग करने के पश्चात उन्होंने राजसी वेशभूषा का भी त्याग कर दिया और सन्यासी की भेष में सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े और बौद्ध ग्रंथों में गौतम के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसको स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर छोटे छोटे ऐसे फैक्ट्स वहां पूछे जाते हैं, ठीक है। कपिल वस्तु को छोड़कर सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकल पड़े और उन्होंने तत्कालीन सुविख्यात आचार्य वैशाली के अलार कलाम और राजगृह के रामपुत्र के आश्रमों में जाकर ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें वहां संतोष नहीं मिला। उनकी ज्ञान पिपासा को कोई आचार्य शांत नहीं कर पाया। राजगृह से गौतम गया के निकट अरुवेला के सुरम्य वनस्थली में पहुंचे। वहां उन्होंने ब्राह्मण कौंडिल्य और 4 उपासकों के साथ घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। कठिन साधना और अन्न जल का त्याग के चलते उनका शरीर सूख कर जो है वह जर्जर हो गया, परंतु मनोवांछित उपलब्धि उन्हें नहीं मिली। अतः तप मार्ग को निरर्थक मारकर उन्होंने सुजाता नामक स्त्री के हाथों से खीर खाकर अपनी तपस्या को भंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद गौतम ने अन्य साथी उसे पाखंडी कर उसका साथ छोड़कर चले गए, ठीक है। वहां से गौतम जो है कहाँ चले गए, गया चले गए, और वहां उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। उनकी समाधि को भंग करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, परंतु गौतम बुद्ध की समाधि भंग नहीं हुई और समाधिस्थ होने के 8 दिनों के बाद लगभग 35 वर्ष की उम्र में उन्हें बैसाखी की पूर्णिमा की रात्रि को उन्हें सच्चे ज्ञान मतलब संबोधि की प्राप्ति होती है और यहीं से वो क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं। पॉइंट भी नोटेड, ये स्टोरी में आप लोग लाए हो जिससे आप लोग ये कहानी सुनकर क्या कर सकते हैं, इनकी घटनाओं को आप याद करेंगे और फैक्ट आपको याद होगा। डायरेक्ट अगर फैक्ट पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है, कहानी के साथ हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये बातें हमको याद हो जाती है, हमारे मस्तिष्क पटल में वह प्रिंट हो जाती है, ठीक है। संबोधि के पश्चात वह अपने विचारों के प्रचार के लिए निकल पड़े और सर्वप्रथम उन्होंने अपना उपदेश जो है सारनाथ में अपने उन 5 साथियों को दिया जो उन्हें पाखंडी बताकर उनका साथ छोड़ गए थे। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, टर्निंग ऑफ व्हील्स, ये फैक्ट्स आता है, ठीक है। क्या कहा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा, और यहीं पर बुद्ध ने संघ को भी स्थापना की। बुद्ध के 5 साथी और बनारस के सृष्टि यश भी बुद्ध के शिष्य और संघ के सदस्य बन गए और बुद्ध ने संघ के सदस्यों को धर्म के प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया। स्वयं बुद्ध भी धर्म प्रचार में निकल पड़े, ठीक है। बनारस से बुद्ध मगध गए और अनेक धर्म प्रचारकों की कर्म भूमि थी, ठीक है, मगध पधारे और इस प्रकार जो है वह लगभग भारत की लगभग सभी शहरों में जो है वह प्रचार प्रसार करते रहे और इनके साथ जो है इनके शिष्यों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई और मगध के राजा बिंबिसार भी इनके उपदेशों से प्रभावित हो गए, क्लियर चीजें, और बाद में उनके शिष्य बन गए। मगध के अतिरिक्त वैशाली कौशल सभी लगभग महाजनपदों में वह घूम घूम कर क्या किया, प्रचार प्रसार करते रहे, ठीक है। और अनेक प्रभावशाली शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसन्नजीत, अनार्थपीडक जैसे धनी व्यापारी, आम्रपाली जैसी नरबधु ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और राज परिवारों से अनेक सदस्य गण गणिकाएं उनकी जनता ने बुद्ध का स्वागत किया और उनके विचारों को ग्रहण किया, ठीक है। बुद्ध के पिता, उनकी मौसी, पत्नी, पुत्र ने भी नया धर्म स्वीकार कर लिया। वैश्य और व्यापारी वर्गों के अतिरिक्त आरंभिक अवस्था में अनेक ब्राह्मण ने भी बुद्ध के विचारों को ग्रहण किया, ठीक है। जीवन के अंतिम में बुद्ध जो है धर्म का प्रचार करते हुए कुशीनगर, आधुनिक जो है कसिया जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश पहुंचे। वहां चुंद नामक सुनार के घर भोजन करने के पश्चात उनके उदर विकार हुआ
और 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अपने जीवन काल में बुद्ध ने बौद्ध धर्म को स्थायित्व तो प्रदान कर दिया था। ऊंच नीच स्त्री पुरुष सबके लिए संघ के द्वार खुले थे। उनकी मृत्यु के बाद भी नए धर्म का निरंतर विकास होता रहा। तो महापरिनिर्वाण, महा कौन कौन, महा धर्म चक्र प्रवर्तन, और क्या हुआ था, और महानिभिष्क्रमण, घर का त्याग, महानिभिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब पहला उपदेश, और महापरिनिर्वाण मतलब उनकी समाधि, पूर्ण समाधि हो गई। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाएं क्या है देखिएगा। महावीर की तरह गौतम बुद्ध ने भी वैदिक धर्म में व्याप्त जो कुप्रथाएं हैं, पुरोहित के आधिपत्य के और यज्ञ बलि की व्यवस्था को उन्होंने क्या दिया, चुनौती दिया। उन्होंने दुखी मानव समुदाय के कष्टों से छुटकारा दिलाने का उपाय सुझाया और संसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर हर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और इनके जो सिद्धांत हैं उसकी जानकारी हमको त्रिपिटक, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक से बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन और संघ के संगठन के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर चीजें, ये इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो कौन कौन से लिटरेचर है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, इसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाते हैं। गौतम बुद्ध के चार आर्य सत्य हैं। ठीक है, चार आर्य सत्य हैं। कौन कौन सा चार आर्य सत्य हैं, तो देखिएगा चार आर्य जो सत्य हैं वह कौन कौन से हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य हैं। जीवन में दुख ही दुख है। ठीक है, दुख का कारण तृष्णा है। ठीक है, दुखों के निवारण का उपाय तृष्णा की समाप्ति है। ठीक है, तीसरा, और तृष्णा की समाप्ति का कारण क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, बुद्ध के जो चार आर्य सत्य हैं, जीवन में दुख ही दुख है, दूसरा, दुख का कारण क्या है, तृष्णा है, तीसरा, दुख निवारण की उपाय क्या है, तृष्णा की समाप्ति, और चौथा, तृष्णा की समाप्ति किससे होगा, अष्टांगिक मार्ग के पालन करने से होगा। ठीक है, तो इनके इन चारों शक्तियों को मैं आपको बताया, तो इसको कहा गया है दुख, दुख समुदाय, ठीक है, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसको मैंने सरल भाषा में आप लोगों को बताया। ठीक है, बुद्ध के अनुसार मानव दुखी दुख से परिपूर्ण था। यह दुख मोह माया तृष्णा लालसा इत्यादि के कारण उत्पन्न होते थे, परंतु उन दुखों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, जिसे ही हम क्या कहते हैं, मध्यम मार्ग कहते हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्यम मार्ग कहते हैं। तो कौन कौन सा अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं देखिएगा, इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति संभव है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, कर्म क्या होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, सम्यक आजी आजीविका के साधन हमारे अच्छे होने चाहिए, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, अच्छी चीजों को हमको मेमोरी रखना चाहिए, सम्यक समाधि। क्लियर चीज है ये, तो ये जो उन्होंने आठ मार्ग, अष्टांगिक मार्ग दिए, जिसके माध्यम से क्या कर सकता है, व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मध्यम मार्ग प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग को ही क्या कहते हैं, मध्यम मार्ग प्रतिपदा, मध्यम मार्ग कहा गया है। ठीक है, न अत्यधिक विलास, न अत्यधिक संयम। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने जो है सन्यासियों के लिए जो है 10 सील या 10 नियम बताए, वो क्या थे, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, स्त्रियों के संसर्ग का त्याग, कोमल शय्या का परित्याग, असमय भोजन न करना, सुगंधित भोजन का परित्याग कर देना, नृत्य और नशा का परित्याग कर देना। ठीक है, ये उन्होंने क्या बताए, 10 सील बताया। क्लियर चीज है ये, अब देखते हैं गौतम बुद्ध का संघ का संगठन कैसा था। धर्म की विवेचना करने के अतिरिक्त बुद्ध का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था धर्म प्रचार की व्यवस्था करना। बुद्ध स्वयं तो धर्म का प्रचार करते ही थे,
परंतु संगठित रूप से उनके प्रचार के लिए उन्होंने संघ की भी स्थापना की थी और बौद्ध धर्म की व्यापक बनाने में संघ ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद सारनाथ में ही उन्होंने संघ की स्थापना की थी। आरंभिक सदस्य जो है बुद्ध के 5 ब्राह्मण साथी और बनारस का एक धनी व्यापारी बना था। संघ में सम्मिलित होने वाले जो लोग हैं वह भिक्षु कहते थे और ये भिक्षु जो है घर परिवार से संबंध विच्छेद कर सन्यासी के रूप में रहते थे। भिक्षा के माध्यम से अपना जीविका चलाते थे और घूम घूम कर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते थे। संघ के द्वार सभी के लिए खुले थे, सभी वर्ग और जाति के व्यक्ति संघ में सम्मिलित हो सकते थे। ठीक है, परंतु शीघ्र ही बुद्ध ने नवीन सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों और राजनीतिक शक्ति से समझौता करना पड़ा। इन्हीं के कारण से बुद्ध ने अल्पवयस्क मतलब 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, चोर, हत्यारे, ऋणी व्यक्ति, राजा के सेवक, दास और रोगी व्यक्ति संघ के सदस्य नहीं बन सकते थे, उनको प्रवेश लेने से वर्जित कर दिया गया। ठीक है, आरंभ में स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश नहीं दिया गया, लेकिन बाद में स्त्रियों को भी संघ में सदस्य बनाना चालू कर दिया गया। संघ का संगठन गणतांत्रात्मक पद्धति पर आउट था। भिक्षुकों को निश्चित नियमों का पालन करना होता था और उसका उल्लंघन करने पर उन्हें दंड दिया जाता था। ठीक है, व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए धर्म का पालन करते थे, वे उपासक कहते थे। उनके नियम तो है भिक्षु के नियम से थोड़े अलग थे। बुद्ध और संघ के प्रयासों से शीघ्र ही नया धर्म जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ज्यादा प्रिय हो गया। तो धर्म के जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं कौन कौन सी है, तो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 सील से आप इसे समझ सकते हैं। क्लियर चीज है ये। गौतम बुद्ध से संबंधित जो चीजें हैं देखिएगा, महानिभिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग, प्रतीक के रूप में क्या है घोड़ा, और 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, बोधि गया के रूप में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम प्रवचन जिसे कहा जाता है कि ठीक है, और जिन्होंने सारनाथ में दिया। फिर महानिभिष्क्रमण मतलब मृत्यु की घटना, और इसका प्रतीक जो है वह स्तूप है, और मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में होता है। गौतम बुद्ध से की घटना इसके जीवन संबंधित कुछ घटनाएं और उनका जो प्रतीक है वह समझते हैं। माता के गर्भ में आने का जो प्रतीक है हाथी है, बुद्ध का जन्म कमल, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश धर्म चक्र और महापरिनिर्वाण जो है वह स्तूप से प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है, मान्यता दिया गया है। क्लियर चीजें। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये कुछ फैक्ट्स हैं। गौतम बुद्ध के धर्म और सिद्धांत आपको पहले भी डिक्टेट कर चुका हूँ। गौतम बौद्ध धर्म जो है मूलतः क्या है, वह अनीश्वरवादी है, आत्मा की भी मान्यता नहीं है किंतु कर्म पुनर्जन्म को मान्यता देता है। यह समुद्यवाद क्षणभंगुरवाद बौद्ध दर्शन से संबंधित है। प्रतीत्य समुत्पाद क्षण और भंगुरवाद जो है वह बौद्ध दर्शन से कैसे हैं, संबंधित हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म ने क्या किया, वेदों की सर्वस्वता का खंडन किया, जाति प्रथा के दोषों का खंडन किया, शूद्र और नारियों के लिए निर्वाण प्राप्त की संभव बनाया, मूर्ति पूजा का इसने विरोध किया, अहिंसा का इसने जो समर्थन किया, लेकिन जैन धर्म की तरह इसने अति अहिंसा पर जोर नहीं दिया। क्लियर चीजें। बौद्ध धर्म से संबंधित जो है 4 संगतियां जो हैं वह इतिहास में हुई हैं, और ये 4 संगतियां जो है मतलब धर्म सम्मेलन जो है, इसको हम धर्म सम्मेलन भी कह सकते हैं, हुई हैं। तो पहला ये स्थान देखिए, पहला बौद्ध या संगति जो है राजगृह में हुई है लगभग 483 ईसा पूर्व में। उसका उस समय जो राजा था उसका नाम था अजातशत्रु, और उसका जो अध्यक्ष था, और यहाँ पर क्या कार्य हुए थे, तो यहाँ पर जो कार्य हुए थे लिखिए देखिएगा, यहाँ पर जो है बौद्ध साहित्य विनय पिटक और जो है सुत्त पिटक का क्या किया गया था, रचना किया गया था। विनय पिटक और सुत्त पिटक क्या किया गया था, रचना किया गया था बौद्ध लिटरेचर की यहाँ पर रचना। क्लियर चीज है ये। तो पहला बौद्ध संगति इतिहास में जो है 4 बौद्ध सम्मेलन हुए हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। राजगृह, पहला बौद्ध संकट 483 ईसा पूर्व, अजात शत्रु और महाकश्यप, क्या काम हुआ, विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना हुई। दूसरा बौद्ध संगति जो होता है वैशाली, और 383 BC में 383 लगभग 100 साल बाद, और ये इसका समय होता है काला अशोक के समय, और जो अध्यक्ष थे सभा का भी, या सावकगीर कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म जो है स्थावीर महासंघीय दो भागों में बटा हुआ था, बाद में फिर यह एक हो गया, ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं, स्थावीर और महासंघीय जो है दो भागों में बटा, लेकिन फिर में फिर समाप्त हो गया विवाद, तो फिर एक हो गया, ठीक है। तीसरा बौद्ध सम्मेलन जो है वह पाटलिपुत्र में होता है लगभग 250-51 ईसा पूर्व के आसपास, और इस समय जो है अशोक का शासन काल रहता है यहाँ पर, और मुगली पुत्तिष्य जो है इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, अधिधम्ब पिटक को संकलन किया गया, क्या किया गया, अधिधम्ब पिटक का संकलन किया गया, और बौद्ध धर्म की मतलब बौद्ध धर्म जो टूट रहा था, जो बाइफर्केट हो रहा था, जैसे महासंघी को स्थावीर में टूटा था, अब भविष्य में ऐसा न हो उसके लिए नियम क्या किए गए थे, कठोर किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर के तीसरे बौद्ध संगति कहाँ हो रही है, 250-51 ईसा पूर्व में हो रही है पाटलिपुत्र में। संरक्षक कौन था, राजा अशोक के समय। अध्यक्ष कौन था, मुगली पुत्तिष्य था, और यहाँ पर देखेंगे अधिधम्म पिटक की स्थापना हो रही है, ठीक है। चौथा जो बौद्ध संगति होता है वह कहाँ हो रहा है, यह जो है कुंडन वन में हो रहा है, कश्मीर में, पहली सदी में हो रहा है, यह फर्स्ट सेंचुरी में हो रहा है, ठीक है। इस समय जो है कनिष्क जो है इसके क्या थे, संरक्षक थे, और वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष जो है कौन है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बौद्ध धर्म जो है दो भागों में टूट रहा है, कार्य जो हो रहे हैं उसमें एक हो रहा है महायान और दूसरा क्या हो रहा है हीनयान। क्लियर चीज है, यहाँ बौद्ध जो है दो भागों में यहाँ पे बाइफर्केट हो जा रहा है, ठीक है। तो इतिहास में जो ये चार बौद्ध संगतियां हुई है इसको आप लोग जरूर देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको होते हैं, आप कोड वर्ड भी बना सकते हैं, जैसे अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। राजगृह, अजातशत्रु, महाकश्यप, वैशाली, कालाशोक, सभा का भी, पाटली सभा की सावकगीर भी कहा जाता, पाटलिपुत्र, अशोक, मुगली पुत्तिष्य, कुंडलवन, कनिष्क और वसुमित्र, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कोड बना लीजिएगा, क्या क्या कार्य हुए आपको मैं बता दिया, इसके अध्यक्षता कौन किया, संरक्षण किसको था, इसका समय क्या था, याद रहती इसको फिंगर टिप्स पे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय देखेंगे, बौद्ध धर्म के तीन संप्रदाय हैं, हीनयान है, यह रूढ़िवादी मत था, इसका प्रचार प्रसार लिंग लंका ब्रह्मा दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ, ठीक है। यह रूढ़िवादी था, मतलब जैसे गौतम बुद्ध ने जिसे स्थापना की थी सेम उसी की, इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन को यह स्वीकार नहीं किया। महायान, चतुर संगति में महायान मत का उदय हुआ, प्रगतिशील था, पाली के स्थान पर इसने संस्कृत का प्रयोग किया, बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ कर लिया। हीनयान व्यक्तिगत निर्वाण पर बल देता था, जबकि यह महायान जो है बोधित्व के सभी के लिए निर्वाण की कामना की जाती थी। इसका प्रचार प्रसार मध्य एशिया, चीन और जापान में हुआ है, ठीक है, और हीनयान का प्रचार हुआ है श्रीलंका, वर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है। वज्रयान, यह लगभग 7वीं सदी के आसपास आया, यह और यह तंत्रवाद से प्रभावित था, और सभी वैदिक धर्म की जितनी बुराइयां थी उसमें इसने शामिल हो गया, और बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा की पूजा की जाने लगी, और तिब्बत में यह विद्यमान था, और बौद्ध धर्म के पतन में भी एक योगदान जो है वज्रयान शाखा का माना जाता है, कि तंत्र मंत्र वशीकरण जो है बहुत सारी अनार्य मान्यताएं या वैदिक कर्मकांड को इसने क्या कर लिया, अपना लिया था, ठीक है। तो भारत से बौद्ध धर्म का पतन का एक कारण ये भी माना जाता है उसकी वज्रयान शाखा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में कितने संप्रदाय हो गए, बौद्ध धर्म के यहाँ पर तीन संप्रदाय हो गए, कौन कौन से, हीनयान, महायान और वज्रयान। वज्रयान जो है तिब्बत में विद्यमान है, और महायान जो है मोस्टली कहाँ है, यह
जापान, चीन में इसका प्रचार प्रसार मध्य एशिया में ज्यादा हुआ है, हीनयान मध्य एशिया में, इसके अलावा श्रीलंका वर्मा में भी यह महाहीनयान शाखा है। यहाँ पर क्लियर चीजें ये। नेक्स्ट देख रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रचार के लिए संघ की व्यवस्था की। आपने पढ़ा है संघ के सदस्य नहीं होते थे, 15 वर्ष से कम उम्र के बालक, सैनिक, दास, चोर, हत्यारे, रोगी, ऋणी व्यक्ति इसके सदस्य नहीं बन सकते थे। गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे, बुद्ध व्यक्ति, कुष्ठ रोगी, मृतक, सन्यासी को देखा, तब उनके हृदय परिवर्तन, उन्होंने घर संन्यास धारण करने का निश्चय लिया। आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। यह यूपीपीसीएस और एमपीपीएससी और उत्तराखंड पीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पर मैंने तैयार किया है। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है। गौतम बुद्ध ने धर्म प्रचार हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया। गृहस्थ बौद्ध जो गृहस्थ अनुयायी जो बौद्ध धर्म के क्या कहलाते हैं, उपासक कहलाते हैं। स्तूपों का निर्माण बुद्ध की अस्थियों के भस्म पर किया गया है। अजंता और बाघ की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाओं के चित्र का अंकन किया गया है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास मठ अथवा विहार और पूजा स्थल जो है चैत्य कहलाता है। भारत में पहली मानव पूजा संभवतः गौतम बुद्ध की ही हुई थी। बौद्ध मान्यता के अनुसार निर्वाण जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद। बौद्ध धर्म को बिंबिसार अजातशत्रु अशोक, कनिष्क और हर्ष ने राजकीय संरक्षण दिया था। याद रखिएगा, ठीक है, कनिष्क, हर्ष, अशोक, अजातशत्रु और बिंबिसार ने दिया था। ठीक है, महायान संप्रदाय में बोधित्व की परिकल्पना ऐसे कल्याणकारी चरित्र के रूप में की गई है जो अब तक सभी लोगों के निर्वाण को प्राप्त नहीं होता, तब तक वह स्वयं निर्वाण हेतु प्रतीक्षा करता है। अलौकितेश्वर और पद्मपाणि आदि बोधिसत्व हैं। क्लियर है? तो ये महायान का एक प्रमुख बात है जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। पौराण वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करते समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर जो है वह पौराण कहलाता है। प्रवज्या किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता है, उससे उसका सिर का मुंडवाना हो दिया जाता है और पीले वस्त्र दिए जाते हैं, उसको प्रवज्या कहा जाता है। उपसंपदा संघ की सदस्या प्राप्त नव प्रवेशी को भिक्षुक बनने का संस्कार जो है वह उपसंपदा कहा जाता है। नालंदा में भारत का प्राचीन बौद्ध विहार था। बुद्ध ने आचरण की शुद्धता और पवित्रता संबंधी उपदेश दिए। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है कर्म में विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर के विषय में वह मौन थे। ठीक है, मीमांसा कर्म का सिद्धांत संबंधित ग्रंथ है। बौद्ध धर्म ने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता, सामाजिक कोटि को चुनौती दी तथा कुछेक शिल्पों का निर्माण माना। ठीक है, देवदत्त बुद्ध के जीवन काल से ही संघ का प्रमुख होना चाहते थे। याद रखिएगा, यूपी में क्वेश्चन आया, उसका नाम क्या है, देवदत्त। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध और जैन धर्म में क्या समानता है? तो दोनों में समानताएं देखिएगा क्या है, दोनों ही अनीश्वरवादी हैं, दोनों ही निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने पर बल देते हैं, दोनों ही क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थे, ब्राह्मण धर्म के विरोध में थे, वेदों की सर्वोच्चता, कर्मकांडों का निषेध, अहिंसा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर यह क्या करते थे, विश्वास करते थे। इसमें क्या थी, यह समानता थी। दोनों में असमानता क्या है, जैन बौद्ध में अंतर क्या है? जैन देखिएगा आत्मा पर विश्वास करता था। ठीक है, यह जो है काया क्लेश और आत्म दमन पर विश्वास करता था, ज्यादा यह अहिंसक था। कौन? जैन धर्म। तो जैन धर्म जो है ज्यादा अहिंसक था, काया क्लेश और आत्म दमन पर विश्वास करता था, आत्मा पर विश्वास करता था। बौद्ध धर्म जो है अनात्मावादी था लेकिन पुनर्जन्म पर विश्वास करता था। यह मध्यम मार्गी था और जैनों की तुलना में यह कम अहिंसक पर, मध्यम मार्ग पर, कम अहिंसक मतलब मध्यम मार्ग पर यह जोर देता था। ठीक है, क्लियर चीज है। बौद्ध धर्म क्या है, वह अनात्मावादी था, जबकि जैन धर्म क्या है, वह आत्मा पर, सिद्धांत पर बात करता था, आत्मा पर विश्वास करता था। ठीक है,
बौद्ध धर्म की सफलता के क्या कारण हो सकते हैं? तो बौद्ध धर्म की सफलता के कारण बहुत अधिक हैं, और उसको हम देखते हैं बौद्ध धर्म क्यों सफल हो गया, जैसे हम जैन धर्म को देखे थे। ठीक है, तो लोगों का लिखिएगा वैदिक धर्म से मोह भंग हो चुका था। ठीक है, वैदिक कर्म कांडों से लोगों का मोह भंग चुका था, उनको ऐसे एक धर्म की आवश्यकता थी जो यह कर्म कांडों से दूर हो, नई मतलब इकोनॉमी के अनुकूल हो, कृषि के अनुकूल हो, ऐसे धर्म को लोगों की आवश्यकता थी, जिस पर जो है बौद्ध धर्म जो है खरा उतरा। ठीक है, दूसरा गौतम बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बौद्ध धर्म की सफलता के शिखर पर पहुंचाने के बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी योगदान था। क्लियर चीजें, तो यह बहुत बड़ा बात है। ये तीसरा है नए धर्म की सरलता थी, या नया धर्म क्या था, सरलता। बौद्ध धर्म ब्राह्मण या जैन धर्म की तुलना में क्या था, अत्यंत सरल था। इसमें पुरोहितों की जरूरत नहीं थी और न ही यज्ञ और बलि प्रथा की जरूरत थी। वेदों का ज्ञान भी होना आवश्यक नहीं था, कोई व्यक्ति सदाचारी जीवन व्यतीत कर परम लक्ष्य या निर्वाण को प्राप्त कर सकता था। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है प्रचार माध्यम के रूप में पाली भाषा का व्यवहार बौद्ध धर्म में भी अपार सफलता का एक प्रधान कारण था। बुद्ध ने अपने विचारों को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए सरल और सर्वग्राह भाषा पाली भाषा का, मतलब जन सामान्य की भाषा का प्रयोग किया। यह भी एक अपने आप में लोकप्रिय होने का कारण है। ठीक है, प्रचार शैली की रोचकता बनी रही। ठीक है, बुद्ध ने प्रचार शैली भी ऐसी थी कि जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ता था। अपने विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से कहानियां, लोकोक्तियों और मुहावरों के माध्यम से जनमानस में पहुंचाते थे। मानव जीवन के संबंध उदाहरणों और उपमाओं द्वारा लोगों को अपनी बात समझाया करते थे। वे अज्ञानियों को समझाने के लिए हास्य और व्यंग्य का भी सहारा लेते थे। फलस्वरूप जनमानस उनके विचारों से उद्वेलित हो जाते उठा और नए धर्मों को अपना समर्थन दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है नए धर्म का समानता के सिद्धांत पर आहूत होना। यह जो क्या करता है, यह सभी धर्म के लोगों के लिए खुला था, सभी वर्ण के लोगों के लिए खुला था। स्त्री और पुरुष कोई भी हो, इसको क्या कर सकता है, इस धर्म में आ सकता था, मतलब इसके समानता के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, इसने क्लियर चीज है ये, या इसमें कोई भी वर्ण व्यवस्था का जो कोई भी धर्म के लोग, कोई भी वर्ण व्यवस्था के लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे सभी क्या हो सकते हैं, बौद्ध धर्म के सदस्य बन सकते थे। क्लियर चीज है ये, इसमें किसी प्रकार का जाति पात या वर्णवाद का सिस्टम नहीं था। इसलिए वैदिक सभ्यता से त्रस्त जनता नई दिशा में कोई नया धर्म में जो है एक जोश दिखा और सभी ने गौतम बुद्ध का स्वागत किया और हजारों की संख्या में उनके जो अनुयायी बनते चले गए। क्लियर क्लियर चीज है ये, और नई आर्थिक व्यवस्था को इसने क्या किया, सपोर्ट किया। बौद्ध धर्म की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था, इसने नई आर्थिक व्यवस्था का क्या किया, समर्थन किया। छठी ईसवी में आर्थिक परिवर्तन का विरोधी था जैन धर्म जो है, वैदिक धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म क्या आती है, हिंसा की बात करता है, और ये वैदिक धर्म हिंसा की बात करता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, नई आर्थिक मतलब इसने क्या किया, मध्यम मार्ग को अपना लिया। बलि तथा पशुधन जो नई कृषि व्यवस्था के लिए आवश्यक था, ठीक है, वो बहुत जरूरी था। समुद्री व्यापार, सूद और कर्ज की व्यवस्था, नागरिक जीवन का विकास इस धर्म के प्रतिकूल था, और इन प्रतिबंधों से नई व्यवस्था और संबंध लोगों की व्यापार क्षति उठानी पड़ रही थी। इसलिए वैश्यों के बीच में धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में बुद्ध ने आर्थिक व्यवस्था को मान्यता और संरक्षण दिया। अहिंसा पर बल देने से कृषक और व्यवसायी वर्ग तथा व्यापारियों को राहत मिली। बुद्ध ने समुद्री व्यापार पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया जो कि वैदिक धर्म में था ऐसा। व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा किया। कर्ज और सूद की व्यवस्था पर भी बौद्ध साहित्य में प्रतिबंध लगाया गया। जातक कथाओं में इसका वर्णन मिलता है। बुद्ध नगर जीवन में के भी विरोध नहीं थे। वे समय विभिन्न नगरों में घूम घूम कर अपना धर्म प्रचार करते थे। बुद्ध के इन विचारों को व्यवसायी वर्ग ने अपने अनुकूल माना, किसानों ने अपने अनुकूल माना, पता बड़ी संख्या में लोग जो है गौतम बुद्ध के समर्थक होते चले गए। क्लियर चीज है ये, तो नई आर्थिक व्यवस्था को भी उन्होंने समर्थन किया इस धर्म ने, जिससे लोग जो है इनकी ओर आकर्षित हो गए। वैदिक धर्म क्या था, नई आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध हो गया, क्योंकि बात बात में क्या था, बलि प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, दूसरा समुद्र पार व्यापार करना निषेध था, इसने सब चीजों को क्या किया, जायज ठहरा दिया।
और पशु बलि पर, मतलब अहिंसा की बात किया जिससे पशुओं की बलि रुक गई, ठीक है, अति अहिंसा की बात नहीं किया जिससे व्यापारी और कृषक वर्ग भी इस धर्म के लिए अपने आप को उपयुक्त समझे, इसलिए यह ज्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है। समय समय पर इसको क्या मिला, राजकीय संरक्षण मिलता चला गया, ठीक है। समय समय पर क्या मिल रहा है इनको, राजकीय संरक्षण मिल रहा है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण में भी अपने प्रचार प्रसार में मदद मिली, क्योंकि गौतम बुद्ध स्वयं ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, अतः तत्कालीन क्षत्रिय शासकों ने जो अपने आप को पुरोहितों के अधिपति में स्वतंत्र कर अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहते थे, बुद्ध के सिद्धांतों को प्रतिज्ञा स्वरूप स्वीकार कर लिया, और बुद्ध ने जीवन काल में बिंबिसार अजात शत्रु प्रसन्न जीत गणराज्यों के राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आगे चलकर अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, उसका प्रचार प्रसार किया, क्लियर है, जिससे बौद्ध धर्म जो है काफी लंबे समय तक फला फूला, ठीक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बौद्ध संघ का भी योगदान है, ठीक है। बौद्ध संघों में देखेंगे बौद्ध संघ का बहुमूल्य योगदान रहा, अपने जीवन काल में ही प्रचार और संगठन का उपयोग गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही धर्म प्रचार हेतु किया था। संघ में शामिल होने वाले को नियंत्रित और सदाचारी जीवन व्यतीत करना पड़ता था, अपने आदर्शों का जनमानस पर उसका प्रभाव पड़ा। संघ के सदस्य पूर्ण उत्साह के साथ साथ घूम घूम कर बुद्ध के संदेशों का प्रचार करते थे। संघ की अनेक विद्वानों और धनी व्यापारियों का समर्थन मिला और व्यापारियों ने विदेशों में भी इस धर्म को फैलाया। नागार्जुन, वसुमित्र, धर्मकीर्ति जैसे विद्वानों के प्रयासों से धर्म प्रचार में सहायता मिली और बौद्ध संगतियों ने भी इस धर्म को आगे बढ़ाया। फलतः 12वीं शताब्दी तक भारत से बाहर भी क्या हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका था। इसको बहुत बड़े बड़े क्या, गौतम बुद्ध के बाद नागार्जुन, वसुमित्र, धर्मकीर्ति जैसे इसको विद्वान मिले, जिससे क्या हो गया, बौद्ध धर्म बहुत अधिक फला फूला, ठीक है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण हैं, तो इसको देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। जिस प्रकार बौद्ध धर्म के विकास में अनेक कारणों से प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसके पतन के लिए भी अनेक कारण उत्तरदायी हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, देखेंगे बौद्ध धर्म में प्रविष्ट बुराइयां। बौद्ध धर्म का उद्भव और विकास ब्राह्मण धर्म में प्रचलित दुर्गुणों की प्रतिक्रिया का परिणाम था, इसलिए आरंभ में इस धर्म को जनता का समर्थन मिला, परंतु कालांतर में धर्म में भी बहुत से दुर्गुण प्रविष्ट हो गए जिनका लोगों ने विरोध किया, फलतः उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे घटती गई। बुद्ध के पश्चात धर्म में अनेक आडंबरों का प्रवेश हुआ, ठीक है। महाज्ञानियों ने बुद्ध को एक देवता के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया, उनकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे। इतना ही नहीं, अनेक वैदिक देवताओं को भी बौद्ध ने अपना लिया। छठवीं और सातवीं शताब्दी में तांत्रिक प्रभाव के कारण भी इसका स्वरूप और विकृत हो गया और दूषित हो गया। वस्तुतः बौद्ध धर्म के विकास में बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के विभाजन को मिटा दिया। तो आपको पहले बोला है कि इसका वज्रयान शाखा जो है वह यह बौद्ध धर्म के मतलब पतन का एक प्रमुख कारण बनता है, जो बौद्ध धर्म में नाना प्रकार की बुराइयां समा गई। संघ का सदा भ्रष्टापूर्ण जीवन हो गया, संघ का जो भ्रष्टाचार समा गया। प्रारंभ में बौद्ध धर्म का संगठन धर्म प्रचार हेतु किया गया, संघ के सदस्यों के लिए आचरण कठोर नियम बनाए गए थे जिसे सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, परंतु बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन होने से संघीय जीवन में बदलाव आया और इस परिवर्तन का अनेक कारण थे। सबसे प्रमुख कारण था इन संघ का दान से मिलने वाला धन। धनी व्यापारियों के दान से संघ साधन संपन्न हो गया, फलतः बौद्ध भिक्षु जो है आदर्श में जीवन त्याग कर भोग विलास का जिंदगी व्यतीत करने लगे। संघ में स्त्रियों का प्रवेश पतन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। विशु भिक्षुणी सदाचारी जीवन व्यतीत न कर भ्रष्टाचारी बन गए। वज्रयान संप्रदाय के विकास ने शारीरिक सुख और मादक द्रव्यों के सेवन को सहज और व्यवहारिक बना दिया, फलतः संघ के सदस्यों का जीवन दर्शन ही बदल गया। संघ परस्पर विवाद और कलह में अड्डे बन गए। इन कारणों से जन समुदाय का विश्वास, उनकी श्रद्धा बौद्ध धर्म से समाप्त हो गई और धीरे धीरे अपना वर्चस्व जो है यह होने लगा। नेक्स्ट है, नए नए संप्रदाय का उदय हो गया।
बहुत सारे ऐसे संप्रदाय जो हैं वो धीरे धीरे आ गए, जो नव ब्राह्मणवाद जो है इसमें प्रमुख है, ठीक है। और जो है और इस संप्रदायों मतलब बौद्ध धर्म में नए नए संप्रदाय को उदय हो गया, जैसे हीनयान, महायान और छठी शताब्दी में आते आती है वज्रयान जो आ गया, जिसके कारण जो है यह जो है अपने अपने महत्व को खोता चला गया, ठीक है। और दूसरा है, पहले जो है संस्कृत, पहले क्या था, पाली स्थानीय भाषा को उन्होंने प्रचार प्रसार में उसका उपयोग किया, बाद में संस्कृत का उन्होंने सहारा ले लिया, और संस्कृत जो है जनसाधारण की भाषा नहीं थी, इसलिए लोगों का जो है इस पर धीरे धीरे क्या हो गया, इससे रुचि घटने लगी, क्लियर है। और जनसाधारण की धर्म की गूढ़ बातों को समझने में असफल रहा संस्कृत के कारण, जिससे इसने धर्म को अपना संबंध विच्छेद कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, धीरे धीरे क्या, राजाश्रय की भी समाप्ति हो गई, ठीक है। राज जो मतलब कनिष्क और पाल शासकों के अलावा देखा जाए तो बहुत सारे राजाओं ने इसको धर्म का संरक्षण नहीं दिया। ठीक, फिर विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण ने भी बौद्ध धर्म के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्धों को हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, ये याद रखिएगा। मिहिरकुल नामक हूण जो है विजेता ने बौद्धों से चिढ़ कर उनके बिहारों को नष्ट कर दिया और भिक्षुओं की हत्याएं भी करवाई। कहा जाता है कि प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के सिर के बदले हत्या करने वालों को 1 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी। हूणों के आक्रमण ने बौद्धों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया, ठीक है। और वीर और धन के लालच में लोगों ने बौद्धों के कुपित होकर बौद्ध विहारों का अपना निशाना बनाया, कौन, तुर्क अफगानकारियों ने। और बंगाल की ओर बिहार के प्रमुख बौद्ध केंद्र नालंदा, विक्रमशिला इत्यादि को अग्नि के भेंट चढ़ा दिया। असंख्य बौद्ध भिक्षु मारे गए, ठीक है, और जो बच गए वे भाग कर नेपाल और तिब्बत चले गए। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना के साथ ही बौद्ध धर्म भारत से क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो विदेशी आक्रमणकारियों ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ठीक है। बौद्ध धर्म की अब क्या देन है, तो बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज में धर्म, दर्शन, साहित्य और कला पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा। धार्मिक क्षेत्र में इसने पुरोहित, वेदों की अधिसत्ता समाप्त कर दी। अब कोई भी व्यक्ति बुद्धि के मार्ग पर चलते हुए स्वयं ही निर्वाण प्राप्त कर सकता था और उसके लिए पुरोहित की आवश्यकता नहीं थी। निर्वाण प्राप्ति भी यज्ञ और बलि द्वारा नहीं बल्कि सदाचारी जीवन व्यतीत करके प्राप्त कर सकता था, ठीक है। और दूसरा चीज है, यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी देन थी वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर सभी व्यक्तियों को समान अवसर पलाना, स्त्रियों को भी समानता का अधिकार मिला, संघ के दरवाजे उनके लिए खुल गए। इतना ही नहीं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र और सदाचार के नियम बनाकर बौद्ध धर्म ने कम से कम आरंभ में समाजवाद की कल्पना की। विभाजित वर्ग और तनावपूर्ण सामाजिक परिस्थिति में बहुत बड़ी उपलब्धि यह मानी जाती है, क्लियर चीज है ये। तो बौद्ध धर्म की क्या है, यह शिक्षाएं हैं और बौद्ध धर्म की यह देन है, क्लियर चीजें। तो आज बौद्ध धर्म से संबंधित जो है सभी फैक्ट्स को आप लोग यहाँ पर देखे, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म संबंधित सभी फैक्ट्स को जो है मैं अपने क्लास के माध्यम से जो है कवर करने की कोशिश किया हूँ। अगर किसी व्यक्ति को या स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन होगा तो आप बिल्कुल मेरा टेस्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन, अगले टेस्ट सीरीज में मैं जो है और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बौद्ध और जैन धर्म से या इससे पहले जो वैदिक साहित्य से लेकर आऊंगा, उसके बाद जो है अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। और यह जो है सिलसिला जो है इतिहास का, यह बिल्कुल आपका चलते रहेगा। यह जो कोर्स मैं तैयार किया हूँ पीएससी प्री 2021 को लेकर तैयार किया हूँ, तो जो व्यक्ति यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, आगामी प्री एग्जाम जो दे रहे हैं जो जून महीने में होने वाला है, या इसके अलावा जो व्यक्ति पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी लोग मेरे इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा एक कोड है UGM10, ठीक है, धन्यवाद।